तुम में से बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं कि भाई हम अपनी लाइफ में किसी और के लिए कितना भी वक्त निकालें, किसी इंसान के लिए कितना भी कुछ कर रहे हैं या कर चुके हैं या करना चाहते हैं, लेकिन जो हम चीज़ें किसी इंसान के लिए कर रहे हैं, हमारे पार्टनर के लिए कर रहे हैं, हमारी गर्लफ्रेंड के लिए कर रहे हैं, हमारे बॉयफ्रेंड के लिए कर रहे हैं या हमारे दोस्त के लिए कर रहे हैं, उस इंसान को उस चीज़ की कोई अहमियत नहीं है, पर उसको कोई तकलीफ नहीं है मेरे होने ना होने की, पर मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ है उस इंसान की होने की ना होने की। वो इंसान मुझसे बात नहीं करता तो मुझे अच्छा नहीं लगता, वो इंसान मुझे अगर तानेबाजी करता तो मुझे रात में नींद नहीं आती, मैं काम नहीं कर पाता, मैं पढ़ाई नहीं कर पाता, मैं अकेला अकेले ऐसा रहने लगा, मेरी लाइफ मुझसे एकदम खफास ही हो गई है और मेरी ज़िंदगी ऐसी हो गई है कि मैं तैर नहीं पा रहा क्योंकि मैं डूब गया हूँ। ऐसी सिचुएशन में क्या करूँ जहाँ पे सामने वाला इंसान कितना भी कुछ क्यों ना कर ले मुझे तड़पाने के लिए या मुझे ऐसी जगह लेके आने के लिए जहाँ पे मैं उस इंसान के लिए उससे भीख मांगू उसके प्यार की। इस सिचुएशन से कैसे निकलें और सामने वाले को रियलाइज़ कैसे कराएं कि हाँ हम अपनी लाइफ में कुछ हैं, कैसे करें, ये वीडियो तुम्हारे लिए। भाई चैनल पे नए हो अभी के अभी सब्सक्राइब करना ताकि तुम्हें वीडियो ले कंसिस्टेंटली। दोस्त एक चीज़ अपनी लाइफ में तुमने देखी होगी या समझी होगी बचपन में, जब तुम जब छोटे थे भाई, है ना, ये अभी भी छोटे ही हो, तो एक चीज़ तुमने देखी होगी जब तुम्हें कोई चीज़ चाहिए होती तो तुम्हारे पेरेंट्स वो चीज़ तुम्हें तुरंत ला के नहीं देते थे, वो चीज़ के लिए तुम्हारे सामने एक कमिटमेंट रखते थे कि तुम एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ले आओ या कोई अपनी गंदी आदत सुधारो। तो इसके पीछे का रीज़न क्या था? इसके पीछे का रीज़न ये था भाई कि जब तुम्हें किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस पता चलेगी, जब तुम्हें उस चीज़ की नीड होगी, वो तब वो तुम्हें चीज़ मिलेगी, तुम उसकी वैल्यू करोगे, तुम उसको केयर करोगे, इसलिए लोगों को याद है। ऐसी ऐसी चीज़ें अगर बिन मांगे तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें सब कुछ दे दिया होता दुनिया का, तो तुम कभी कमाते नहीं पैसे या तुम पढ़ाई कभी ढंग से करते, क्योंकि तुम हर चीज़ मिल रही है भाई। जिस इंसान को हर एक वो चीज़ जो वो चाहता है, वो चाहती है, उसकी लाइफ में मिल रही है, तो भाई तुमने देखा होगा वो लोग से उसके माँ बाप कितने परेशान हैं, राइट। वो सेम चीज़ रिलेशनशिप में भी अप्लाई होती है। रिलेशनशिप में अगर तुम अपने काम से भाग रहे हो, तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हो, तुम अपने जो टाइम है जो फैमिली को होना चाहिए उससे भाग रहे हो, तुम जो टाइम अपने लिए होना चाहिए उससे भाग रहे हो, तो भाई तुम्हारी लाइफ बेटर कभी हो ही नहीं सकती। हम अपनी लाइफ में ये चाहते हैं कि हम दूसरों के सामने अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं, हम दूसरों के सामने अपनी इज्जत कैसे बढ़ाएं, पर भाई वो इज्जत बढ़ाने के लिए, वो वैल्यू बढ़ाने के लिए खुद की वैल्यू तो बढ़ानी पड़ेगी ना जिंदगी में भाई। जब तुम अपनी जिंदगी में खुद की वैल्यू बनाओगे, अपनी वैल्यू बढ़ाओगे, तब सामने वाले इज्जत तुम्हारी इज्जत करेगा ना भाई। तुम किसी की इज्जत क्यों करते हो? क्योंकि उसने वो चीज हासिल की अपनी जिंदगी में भाई, समझ आ रहा है? हर एक इंसान जो रिलेशनशिप को रिलेशनशिप रखता है, हर चीज को मैनेज करना पड़ता है भाई। टाइम तुम्हारे पार्टनर को जो तुम दे रहे हो उसको मैनेज करना तुम्हें आना चाहिए, पर किसी इंसान के लिए, किसी एक चीज के लिए हर एक चीज को तुम साइड कर दो भाई। अगर ये काम करोगे तो जिंदगी तुमसे साइड हो जाएगी और सिर्फ गम रहेगा, क्योंकि तुम डीमोटिवेट इसलिए हो जाते हो जब तुम कोई छोड़ के जाता है, क्योंकि तुमने उस इंसान के लिए हर एक चीज़ को साइड कर दिया भाई, जस्ट बिकॉज तुम्हें वो इंसान चाहिए था। इस वजह से तुम्हारी जिंदगी खराब हो गई है भाई। अब बात करते हैं कि भाई ऐसा क्या करूं। भाई एक चीज़ याद रखना, जब कोई इंसान तुम्हें छोड़ के जाता है या जब कोई इंसान तुम्हें चोट मारता है या जब कोई इंसान तुम्हें तड़पाता है, जब कोई इंसान तुम्हें रुलाता है, तो उसको एक चीज हमेशा दिमाग में रहती है कि अगर तुम उस इंसान के बिना अपनी जिंदगी से खफा हो, अपनी जिंदगी में परेशान हो, तुम 10 लोगों से मिलते हो, तुम 10 लोगों को कहानी सुनाते हो, उस चीज में जब उस इंसान को चीज पता चलती कि इंसान दर्द में है, गम में है, उसको अच्छा फील होता है भाई। दिस इज अ रियलिटी। उसको लगता है कि हाँ मेरी इतनी लाइफ में अहमियत है, सामने वाले की लाइफ में इतना मैंने असर किया कि ये रो रहा है भाई, परेशान है, परेशान तड़प रहा है भाई, समझ आ रहा है? लेकिन उस इंसान को अगर ये पता चले कि भाई मैंने इस इंसान से बात करनी छोड़ दिया, मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ, ब्लॉक कर रहा हूँ, या मैं इससे तड़पा रहा हूँ भाई, लेकिन ये इंसान वो इंसान नहीं रहा, अभी इंसान अपनी लाइफ में खुश है, अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा है, जॉब में ध्यान देने लगा है भाई, पढ़ाई में दबा के पढ़ाई कर रहा है भाई। भाई एक चीज़ याद रखना, जब उस ये चीज़ उस इंसान को पता चलेगी, उस इंसान का सारा जो भ्रम है ना, भ्रम वो उसके लिए भ्रम बन जाएगा, तो वह जिंदगी हसीन हो जाएगी, लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे, वैल्यू करेंगे, कदर करेंगे, वो इंसान भी करेगा। मेरे भाई जिंदगी में दूसरों की लाइफ में वैल्यू बढ़ाने से पहले अपनी लाइफ में अपनी वैल्यू बनाओ,
उसके बाद में तुम चेंज देखो। दुनिया बहुत हसीन चीज़ है बे, हसीन बनो, मेहनत करो और फाड़ो जिंदगी में, चल।